यूपी पुलिस ने लाखों रुपए की आतिशबाजी करी जब्त। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पुलिस ने दबिश के दौरान लाखों रुपए की आतिशबाजी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दिवाली से पहले लाखों रुपए की इस आतिशबाजी को पुलिस ने जब्त किया है और इसी के साथ साथ यूपी पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इन कट्टों के अंदर बारूद रखा हुआ है, कई कुंटल बारूद और उससे बनाने वाले पटाखों को पुलिस ने जब्त किया है। एक बड़ी कार्रवाई आईपीएस नीरज कुमार के द्वारा करी गई। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से पटाखों को रखा गया है। तुम्हारी ना वाले में अगर मालूम होती कोई बात नहीं। जी सर बताएं, देर रात जो चंडोल पुलिस द्वारा जो रेड की गई है जिसमें बड़ी मात्रा में पटाखे पकड़े गए हैं, किस तरह के पटाखे थे, कितना बड़ा इनसे जनहानि हो सकती थी? रात को चंडोल पुलिस ने तीन जगह पे दबिश दी थी। पहली जगह रेड में जो हैंडमेड होते हैं वो मिला, सामान काफी सामान मिला भारी मात्रा में, और बारूद भी मिली है, रॉ बारूद मिली है। दूसरी जगह भी सेम सामान मिला है। इनके पास लाइसेंस है लेकिन ये घरों में ये आतिशबाजी का सामान बना रहे थे। करीब 10 से लेकर 14 क्विंटल सामान मिला है। एक जगह रेडी टू सेल सामान मिला है, जो पटाखे घर में स्टोर कर रखा था इन्होंने, पटाखे हो गए, आतिशबाजी का अन्य सामान हो गए, अनार हो गए, इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था, लेकिन वो सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए सबको जब्त किया गया। क्या कार्रवाई की गई है सर इन लोगों के खिलाफ? इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जिन्होंने घर में सामान बनाया है उनको गिरफ्तार किया गया। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बेनामी और योगेश नाम के। थैंक यू सर। YouTube पे और सोनी न्यूज की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे खबर को शेयर और लाइक और कमेंट करें।